पीछे हो ना इसको क्या हुआ है अभी तो बड़ा बढ़िया चल रहा था बस हीरा ही लेना है अरे सोना लेके क्या करूंगा महंगी चीज में भी सस्ती चीज क्यों ले कोई तो दोस्तों डेली व्लॉग के लिए इतनी मेहनत बनारस देख देख के आप पक गए थे वो ये कौन आ गया इस लड़की को आप पहचान गए होंगे बनारस देख देख के आप पक गए थे तो अब मैं लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए महाराष्ट्र यानी पुणे को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है लोगों को पुणे बट मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ रह के गया था तो अभी हमारे साथ पुणे से जुड़ी हैं मिस आयुषी पता नहीं ये कुछ बोलेंगी कि नहीं क्या गाड़ी में तेल नहीं है क्या ये देखिए गाड़ी में तेल नहीं रखती है ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है गाड़ी में तेल ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ उतर के बोलेगी ले 50 रुपये निकाल 20 रुपये निकाल कंट्री करवाएगी इसमें भी मैं उतर जाता हूँ तो भाई फिलहाल के लिए जा रहे हैं हम बाइक क्या एक्टिवा लेंगे क्योंकि थोड़ा 4-5 दिन का टूर है यहाँ पे घूमेंगे तो बाइक एक्टिवा ले लेते हैं उसके बाद देखते हैं आज का क्या क्योंकि बहुत थक गए थे बहुत सुबह 10-11 बजे उठे 5 बजे सोए तो अभी से आपको मैंने दिखाया था तो ठीक है यार चलते हैं लेने तेल भरवा के कोई दिक्कत नहीं है कंटेंट पे कंटेंट दे अमिताभ बच्चन की गलती है बहन का लौड़ा भोसड़ी का कहता है मदर चोद जुपिटर खरीदी है ये देखो इसकी गाड़ी का ये गिर गया पूरी बीच रोड पे गिरा है हम गिरते गिरते बच्चे बहन तुझे ना मैं बोल दूंगा अंकल को दहेज में तुझे एक्टिवा दे दे भाई गिरवा देती भाई हे भगवान हे प्रभु हे जगन्नाथ बचाना मुझे ये कृपा करना बीच रोड पे गिरता मैं अरे बाप रे बाप तो अच्छा वो तूने संभाल लिया भाई ने लिखा हुआ है माई कार मतलब क्या मतलब क्या मतलब कहना क्या चाहते हो माई कार का क्या मतलब है माई कार सेल्फ ऑब्जेस्ट मेरे को एक यूट्यूबर भाई दिखा अरे यार तुम बीच में आ जाओ मेरे को शॉर्ट मिलना था इसने गाड़ी पे लिखा हुआ है चलो बुलावा आया है गोवा ने बुलाया है गोवा लेके जा रहा है आयुषी कवर कर पकड़ इसको ओ भाई चलो आगे ट्रैफिक लगा है तो हम लोग पकड़ लेंगे इसको ये देखो भाई 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 पूरी ट्रिप पे जा रहा है ये भाई गोवा पे अरे यार एग्जैक्टली ये लोकेशन है बूंग रेंटल्स यहाँ से इसने लिए एक्टिवा कितने दिए इन्होंने मतलब एक हफ्ते के लिए 2000 7 दिन के लिए 2000 के लिए बुक किया फ्यूल अपना तभी एक्टिवा लेंगे अपन और चलेंगे यहाँ से भाई गाड़ी अपनी रेडी कर रहा है ये ब्लैक स्कॉर्पियो ना सही ब्लैक एक्टिवा नहीं इसको मैं क्या ब्लैक स्कॉर्पियो बोला था तो ब्लैक एक्टिवा करा दी चलेगा hey guys, vlog update. अभी हम आए थे छपरी के फ्लैट पे सो वी आर स्टिल हियर एंड थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं भाई बहुत बहुत ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे और बहुत हैक्टिक स्केड्यूल हो गया है ये पूरे रास्ते मुझे गाली देती आई हुई है कि दूर है भाई देख रहा हूँ मैं मुझे पसंद तो आने दे ए हुडी देख कहीं दिखे तो हुडीज देख भाई नहीं जींस नीचे इतना बड़ा मार्केट है एक हुडी पसंद आया वो भी डबल एक्सेल था मतलब डबल एक्सेल भी टाइट आ रहा है पता नहीं भीड़ तो बहुत है यहाँ पे वापस से एक और दिन शुरुआत मैं बाहर कैमरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैं माइक अभी भूल गया हूँ और बाहर की हवा बहुत ज़्यादा आएगी सो दैट्स वाई अभी हम लोग आज उठ चुके हैं कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि एक्टिवा पे मैं ज़्यादा घूम गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेमिंग जोन वहाँ गेम वगैरह हम लोग खेलेंगे उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है ओए ओए धीरे यार ऐसे लोगों को मैं क्या करूँ गाड़ी देनी पड़ती चलाने के लिए
धीरे गाड़ी चला यार। इसको देख, शक्ल देखो इसकी, हंसता है वो तेरे कारण, तू बैठा ना पीछे इसलिए। ये गाड़ी ठोक भी देगा, सामने वाले की गाड़ी उड़ा भी देगा तो हंसेगा वहां पे। ये उसमें भी हंसेगा। इसकी जब शादी होगी ना इसको तब पता चलेगा, इसकी बीवी जब इसको रुलाएगी तब। पर खैर चलते हैं, आज के दिन में क्या क्या होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इस तरीके से कुछ बहुत सारे कांड हुए, लेकिन कांड को करते हैं साइड में। हम लेके आए हैं पुणे का फेमस कैम बर्गर के यहाँ से। ये चिकन बर्गर बहुत फेमस है भाई, तो इसको जरा खोल के चेक करते हैं इसकी साइज। काटा भी नहीं उसने चिकन की। चिकन की साइज देखोगे भाई दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो, खैर तो मैं रिकॉर्ड करूँ, पूरे दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो जो तूने कांड किया है पता कर। पूरे दिन के ब्लॉग में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा फकअप हुआ था इधर। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कल थोड़ा सा घूम लेते हैं। कल का जो भी प्लान होगा वो मैं ब्लॉग में शेयर करूँगा ही। अभी ये भाई साहब ने इनका कुछ सॉर्ट आउट करने आए हैं, करते हैं और फिर चलेंगे घर। Let's check it out. काफी हाइट है ये कबूतर। ये भी बंदे सेम उसी पैटर्न में लॉक लगा हुआ है भाई। मुझे डर हाइट से तो अच्छा खासा डर लगता है। ये इसमें इनामदार भी जगह ना, इसके पास में जो हम बिल्डिंग में रहते हैं, ये सी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है, पूरी सोसाइटी हमारी होगी। ये ए है, उसके पास में उधर बी है, वो सी है और फिर डी है। और ये रोड की वजह से बट गई है, पूरी गोल में सर्कल में। तो उसके पीछे जो कोहिनूर है ना, कोहिनूर टेनिस पार्क, उसमें सबके साथ ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, बोलते हैं जैसे अफगानिस्तान वाले, रशिया वाले, वो सब लोग यहाँ आके इलाज कराते। अच्छा, तो हेलो गुड मॉर्निंग। एक दिन की शुरुआत होती हुई, हालांकि
कल के व्लॉग में बहुत कुछ खास दिखा नहीं क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो देखते हैं, शायद आज भी हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं नहीं, मे बी अभी शुभम आएगा तो कहीं जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ तो देखी पुणे में, भाई पता नहीं लोग पुणे की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, आई डोंट नो, बट पुणे ऐसी मुझे सिटी लगी नहीं कि रहने लायक। मतलब अगर आपकी फैमिली है और अगर आप कॉलेज लाइफ जी रहे हो देन मतलब तब पुणे सही है आपके लिए, अदरवाइज। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप एक बैचलर की जॉब वाली लाइफ जी रहे हो, आपके पास कोई नहीं है, तो पुणे आई डोंट थिंक सो कि पुणे एक अच्छी सिटी है रहने के लिए। मतलब वही है मुंबई वाला हाल, लोग भीड़ से भरे हुए हैं, कोई किसी को मतलब नहीं, मतलब एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो होती है ना, लोग वो जी रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक भाई पुणे, तो मुझे नहीं लगता भाई, पता नहीं क्यों लोगों ने इतना हाइप कर रखा है कि पुणे बहुत अच्छी सिटी है, रहने लायक सिटी है। भाई अगर तुमको मतलब वो करना है ना कि आप कॉलेज लाइफ जी रहे हो या आपकी फैमिली है यहाँ पे, तो फिर ठीक है, आप यहीं के हो प्रॉपर। तो लेकिन बाहर से आके जॉब कर रहे हो, और इवन अगर मान लीजिए अगर आप मतलब थोड़ी 20-35-40 हज़ार अगर सैलरी है, तो भी ये सिटी इनफ नहीं है आपके रहने के लिए। तो ठीक है, जो भी है, देखते हैं आज के दिन में आज क्या रूटीन होता है, क्योंकि जो भी रूटीन बनाते कभी फॉलो होता नहीं है। चलते हैं, डेट मिसल खाने आए हैं, मिसल, भूख लगी है। इस एरिया का, ये इस एरिया का फेमस है ना, ये मतलब नॉर्मल है, अच्छे ब्रांड में आता है, नहीं ब्रांड मतलब ठीक है यार, पब्लिक और जोगेश्वरी मिसल, 50-60 दुकान होंगी पूरा पुणे में इनकी, ब्रांड है, टेस्ट करके भी देख लेते हैं। If you are talking about taste, भाई taste में तो best है। एक 1.5 साल पहले मैंने मिसल खाया था मुंबई में, तब पसंद आया था, बट उसके बाद कहीं मिला नहीं ये वाला। तो भाई मिसल तो यार, अल्टीमेट है, पर एक तरीके से ये भी अनहेल्दी है। इतना मसाले वाला खाना, इतना मसाले वाला लेट कर लिया, मैंने पहले खाया था, मैंने दोबारा इसीलिए कभी नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे ये कैमरा जिस कुत्ते ने पकड़ा, इसने बोला मिसल खाएंगे, आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर फूड, भाई पेट में जलन होगी, जूस पीना पड़ रहा है। अच्छा, बट मिसल अच्छा है, अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं है आप मिसल ट्राई करिए, लिटरली अगर आप तीखा खाने के दीवाने हो ना, मिसल भाई एक नंबर चीज़ है मिसल। आपकी मंगलवार पे बड़ा दिन शनिवार होता है, ऑब्वियसली हनुमान जी की पूजा करनी हो तो, क्योंकि सिर्फ शनि को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकता है, हनुमान जी की पूजा करने से ही शनि कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि एक बार शनि महाराज को रावण ने कैद कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए सारे वो चक्रास और वो सब एक जगह पर जमाए थे, जिसकी वजह से उनका बेटा उसी तिथि पर पैदा हो, ताकि उसे कोई मार ना सके, और शनि उस तिथि पर उस दिन वहाँ नहीं थे, तो उसे रावण ने अपनी कैद पर ले लिया था, तब हनुमान जी ने रावण से शनि को छुटकारा दिलाया था, इसलिए शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि सबको हनुमान जी प्रोटेक्ट करते हैं, और हनुमान जी की शनि देव ने ऐसा वरदान दिया था हनुमान जी को कि जो भी मेरे दिन आपकी पूजा करेगा उसके लिए उसकी कुंडली में कभी भी हावी नहीं होगा। इतनी बड़ी कहानी मुझे भी नहीं पता थी, जब कुछ समझ में नहीं आता तो लोग भगवान के पास ही आते हैं, सबूत देखो। रोज हर मंगलवार और शनिवार, इतनी तू अब आ रहा है इतनी शिद्दत से, तू इतनी शिद्दत से तो तूने कभी पूजा नहीं करी भी जो तू आज कर रहा है। मैंने पूजा करना शुरू कर दी थी, मैं जुलाई से मैं मंदिर जाता हूँ हर मंगल, पहले हर मंगलवार जाता था, फिर जब से शनिवार का बना पड़ा तो हर शनिवार जाता हूँ, कभी कभी हाँ करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पर मंगलवार शनिवार, लेकिन पर यही है ठीक है, जब फटती तब तो भगवान याद आती हैं, भगवान फिर भी आता ही था, मैंने भगवान को भी ये पता, भगवान ही याद आते हैं हर चीज़ में, या तो मम्मी याद आएगी या तो भगवान याद आएगी, और पैसे तो पापा से लेता है पापा को क्या करेगा, मम्मी भी अभी मंदिर ही गई, उन्होंने भी सेम ये फोटो ही भेजी मुझे, ये वो संकट मोचन, यहीं से धोख देगा क्या। फाइनली मैगी खा के खत्म करेंगे, यहाँ बोलना सबसे तगड़ा
ऐसे साइन क्या है बता आपको क्या मतलब साइन मतलब कैसे जो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते तो क्या बोलते हैं क्या ऐसे मतलब एक होता ना स्लो हां समझ लिया मैं क्या कहा मुझे ये भी कुछ दिनों पहले बताओ आप लोग स्लैंग यहां मुझे स्लैंग क्या है ऐसा बोलते यू कहीं वो टेनिस में खेल रहे थे ना तो वो टेनिस प्लेयर ऐसे खेल रहे थे तो वो उसका नाम डेनिस नोवा था मतलब ऐसा है पुणे तेरा कि बनमस का कहीं नहीं मिला पूरे कोई नहीं रखता बनमस का और मैंने सबसे पहले खाया भी पुणे में ही था बनमस का और अभी पूरे पुणे में बनमस का कहीं नहीं मिला ये जिस एकदम रिच एरिया में रहता है पूरा एरिया हमने ढूंढ लिया कहीं पे भी बनमस एक बार यू बोलना तो मिल जाएगा यू बोलना है ओके ठीक है ठीक है ये कुछ नया सीखने को मिला तो ठीक है अभी कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग गई थी खाना बहुत कम बना हुआ था तो मैगी खाएंगे चाय पियेंगे और फिर कल वैसे ये ब्लॉग आएगा तब तक न्यू ईयर बन चुका होगा चलते हैं ये गाड़ी देख रहा था कब से इसमें अंदर देखो मैगी वैगी रखा हुआ है मैं पूछा भैया से ये गाड़ी इनका है क्या इन्होंने बोला मैं शॉक्ड हो गया भैया गाड़ी में वो भी स्विफ्ट क्या बात है तो मतलब नया खरीदा था आपने कि सेकंड हैंड यूज़ कर रहे हो लेकिन मेरा मोह हुआ थोड़ा सा मैं शॉक्ड वो मैगी देख के मैंने पूछा आपसे यार इसमें इतना सारा मैगी रखा हुआ है गाड़ी के अंदर मैंने इसलिए पूछा कि वो आगे वाली ग्लेंजा भी आपके इसलिए क्योंकि यूं बोलो ये तो मेरे भाई की मेरी तो आगे वाली है कल से हम भी यही ठेला लगा के खड़े वो हम समझ गए लेकिन देखो हर चीज है सबके पास है पर मेहनत के तो पैसे हैं हाँ मेहनत का पैसा है नहीं अपना मेहनत तो अपना होता है सही बोला भाई बिल्कुल परफेक्ट